साथ वुमेन्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बरियातो की छात्राओं ने राज्य सरकार से ट्रेनिंग संस्थान बदलवाने की मांग की है। उनका कहना है कि ट्रेनिंग के लिए ऐसा स्कूल आवंटित किया गया है जो ग्रामीण इलाकों में आता है और परिवहन की भी सुविधा नहीं है। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी अजय लाल ने। शिक्षा विभाग में इस वक्त बड़ी संख्या में बीएड की छात्राएं आई हुई है। ये तमाम छात्राएं राजधानी रांची के बरियातू स्थित बीएड ट्रेनिंग कॉलेज की छात्राएं हैं। 2022-2024 बैच की छात्राएं हैं। समस्या यह है कि कॉलेज ने इन्हें ट्रेनिंग के लिए ऐसे जगह पर भेज दिया जहां जाना बेहद ही मुश्किल है। कई ऐसे गांव में लड़कियों को जाने के लिए कहा जा रहा है जहां पर जाने का साधन ही नहीं है, और वह भी सुबह 9 बजे बायोमेट्रिक से अटेंडेंस भी बनाना है। यानी समस्या चौतरफा है। मैडम, क्यों यहाँ आई हैं और किनसे मिलना चाहती हैं आप, क्या कहना चाहेंगी? हम लोग सब बरियातो बीएड कॉलेज है, हम लोग रवि कुमार मिलने आए जो शिक्षा सचिव है। हम लोग में से बहुत दूर दूर जंगलीय क्षेत्र में दे दिया है, जो कुछ कुछ क्षेत्र नक्सली जैसे कि मुरेठा, उसके बाद पीपरिया टोली, कोकडोरो, ये सब बहुत जंगलीय क्षेत्र है और यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधा नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन का कोई सुविधा नहीं है, मतलब दूर दूर तक कुछ घर नहीं दिखता है, वैसी जगह में हम लोग को जाना पड़ रहा है। काफी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हो गया है जहाँ पे जाना ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी नहीं है, हमें कई कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, जिसे सुविधा अनुसार 9 बजे के पहले हमारे वहाँ पे पहुँचना इम्पॉसिबल है। आपने अपने कॉलेज में जो भी बातचीत की होगी, क्या उनका रिस्पॉन्स आ रहा है आपके प्रति? उन्होंने कहा है कि हमारे टीचर्स से हमारी बात हुई है सबसे पहले, तो उन्होंने कहा कि आप JCRT जाइए, वहाँ बात करिए। हम JCRT गए तो बांके बिहारी सर ने कहा है कि आप हम इस चीज को फॉरवर्ड कर देते हैं, अब वो करना नहीं करना उनके उनके ऊपर है। तो हमने बोला तो तब तक हम लोग क्या करेंगे, तो वो बोले या तो घर पे बैठिए या फिर स्कूल जाइए। हमने कहा अगर हम स्कूल जाते हैं तो हमारा सिक्योरिटी का ध्यान कौन रखेगा, वहाँ पे अगर हमारे साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती है और कुछ अनहोनी हो जाती है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? तो उन्होंने कहा कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या फिर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस। तो इसलिए हमने सोचा कि अभी के रवि कुमार सर से मिल करके हम अपना जो भी प्रॉब्लम्स है वो शेयर करें और जल्दी से जल्द इस पे कार्रवाई। ट्रेनिंग के लिए जाना चाहती हैं बीएड कॉलेज की छात्राएं, ट्रेनिंग के लिए जाना चाहती हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि पतरातू जैसे इलाके में जाए तो जाए कैसे, और इस दौरान इनकी सुरक्षा का क्या होगा। और सबसे दिलचस्प बात यह कि जिस स्कूल में इन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है वहां के शिक्षक खुद आश्चर्यचकित हैं कि आखिर लड़कियों को इतने सुदूरवर्ती इलाके में क्यों भेजा गया। उम्मीद की किरणें राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से और साथ ही स्कूली शिक्षा सचिव के रवि कुमार से। देखना दिलचस्प हुआ कि इन लड़कियों की मांग पर, इन छात्राओं की मांग पर ये दोनों ही लोग क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल लड़कियां उम्मीद रख रही हैं कि इन्हें कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगी। क्रमण देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।